नमस्कार साथियों, आज की इस राजनीति विज्ञान की कक्षा में हम बात करने वाले हैं सुकरात के विचारों की। सुकरात ने किन किन विषयों पर अपने विचार कैसे रखे या क्या विचार थे उनके, जैसे उन्होंने कानून के बारे में क्या कहा, राजनीति के बारे में क्या कहा, लोकतंत्र के बारे में क्या कहा, मानव प्रकृति या फिर मानव स्वभाव के बारे में उनके क्या विचार थे। आज हम इन्हीं विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले राजनीति को लेते हैं। सुकरात ने राजनीति को एक कला माना था और राजनीतिज्ञ को उन्होंने कलाकार की संज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कलाकार वही बन सकता है जिसमें विशेष क्षमता हो। ठीक इसी प्रकार से राजनीतिज्ञ भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई विशेष क्षमता हो, विशेष किसी भी विषय की उसमें विशेषज्ञता हो। सुकरात ने दो महत्वपूर्ण बातें अनिवार्य मानी प्रत्येक राजनीति करने वाले व्यक्ति के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ को बुद्धिमान होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि उसमें जनहितैषी जो भावना है उसके गुण होने चाहिए। बुद्धिमान इसलिए कि उसे अपने राज्य का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार से योजनाएं बनानी है, कैसे जो प्रशासन है उसका संचालन करना है, इसके लिए उसका बुद्धिमान होना जरूरी है। और जनहितैषी इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए और लोगों की सुविधाओं के लिए उसे कार्य करना है, और साथ में उन सब लोगों को साथ में लेकर भी चलना है, सबका विश्वास भी बनाए रखना है। इसलिए सुकरात ने राजनीतिज्ञ के लिए ये दो बातें उन्होंने महत्वपूर्ण मानी। उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के प्रति उनका जो अनुभव था वो कोई अच्छा अनुभव नहीं था। उन्होंने लोकतंत्र की कटु आलोचना की, उन्होंने कुलीन तंत्र का समर्थन किया। ये महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र की उन्होंने आलोचना की और जो कुलीन तंत्र है उसका उन्होंने पक्ष लिया। अब उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना क्यों की, इस बारे में भी बात करते हैं। उस समय की जो एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था थी वो लोकतंत्र पर आधारित थी, और लोकतंत्र में भी किसी भी पद, चाहे वो सेनापति का पद हो, चाहे वो अधिकारी का पद हो, और चाहे वो न्यायाधीश का पद हो, उन सब पदों के लिए जो यूनान के समस्त नागरिक हैं उनमें से उन पदों के लिए कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता था, और उनके चुनने का तरीका लॉटरी सिस्टम था। मतलब जिस भी व्यक्ति का प्रति से नाम आ गया उसी व्यक्ति को वो पद दे दिया जाता। तो इस कारण से हमेशा सुकरात बहुत दुखी रहते थे कि जिस व्यक्ति को कानून विधान की जानकारी नहीं है वो न्यायाधीश बन जाएगा, जिसको अस्त्र शस्त्र सेना की जानकारी नहीं है वो सेनापति बन जाएगा, और जिसको प्रशासन की जानकारी नहीं है वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाएगा। और अगर इस प्रकार से लोगों की नियुक्ति हो जाती है तो फिर हम अभी समझ सकते हैं कि किस प्रकार की वो व्यवस्था बना रहे होंगे। एक बात और जो थी जिसको लेकर के उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की, वो बात ये थी कि लोकतंत्र जैसे हमें कोई भी कार्य करना है, जैसे हमें अपने जूतों को सिलवाने का या जूते बनवाने का काम करना है, तो हम उस कार्य का जो विशेषज्ञ व्यक्ति है हम उसी के पास जाते हैं। अगर हमें सोने से संबंधित काम करना है तो सोने का जो जानकार है, सोने के का जो काम करना जानता है व्यक्ति, हम उसके पास जाएंगे। लेकिन उस वक्त की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें विशेषज्ञता के लिए कोई जगह नहीं थी। लोकतंत्र के नाम पे एक जो बड़ा एक जो मजाक कहेंगे हम कि वो चल रहा था। इस कारण से सुकरात है उन्होंने उस समय के जो तात्कालीन जो लोकतंत्र था उसकी आलोचना की। अब हम बात करते हैं कानून के विषय में कि कानून के विषय में सुकरात के क्या विचार रहे थे। हमेशा सुकरात ने कानूनों को सर्वोच्च माना और उनका हमेशा अनुसरण किया। हालांकि सुकरात ने तो ये तक कहा कि जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून हैं वो ईश्वर के आदेश हैं, मतलब किसी भी कारण से हम उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि कानून
कानूनों के दायरे में राजा और प्रजा दोनों आएंगे, दोनों पर कानून है वो एक प्रकार से काम करेंगे। अगर राजा दोषी है तो राजा को भी सजा मिलेगी और प्रजा दोषी है तो प्रजा को भी सजा मिले। तो इस प्रकार से उन्होंने जो सेबाइन महोदय हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राजनीतिक जो व्यवस्था थी या जो उस समय के कानून थे उनका पालन करते हुए पूरी उम्र सुकरात ने कड़े संघर्षों और कष्टों के बीच गुजार दी, लेकिन उन्होंने कभी भी कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। हम देखते हैं कि जब सुकरात को सजा हो गई थी मौत की और उनके पास मौका था जेल से भागने के लिए, तब भी सुकरात ने यह कहते हुए भागने से मना कर दिया कि मैं जो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनकी जो उनका उल्लंघन है वो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो उससे मेरी जान तो बच जाएगी लेकिन जो एथेंस के कानून हैं उनको कितनी हानि होगी। तो इस वाक्य से हम समझ सकते हैं कि जो सुकरात है उन्होंने हमेशा जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून थे उनकी पालना की। और एक बात और भी कही उन्होंने कि ये कानून जो राज्य द्वारा बनाए गए हैं वो लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए वो समझौता है और ये एक ना केवल किसी का आदेश है बल्कि लोगों की जो बौद्धिक अनुभूति है उसका नतीजा है कानून। क्योंकि कानून है जो राज्य ने लोगों के लिए बनाए हुए हैं वो किसी एक समय में नहीं बने, वो धीरे 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 अनुभवों के आधार पे जो राज्य और जनता के लिए अच्छे हैं वो सारी चीज़ें ही कानून थी। लेकिन एक बात हमने ये भी देखी कि सुकरात ने सत्य और जहाँ नैतिकता की बात है, अगर कोई भी आदेश सरकारी राजा का आदेश हो या किसी अधिकारी का आदेश हो वो सत्य और नैतिकता की अगर अवहेलना कर रहा है तब सुकरात ने उन आदेशों को मानने से इनकार भी किया। क्योंकि सुकरात ने पूरा जीवन ज्ञान और नैतिकता के लिए समर्पित कर दिया। तो ये कानून के बारे में विचार थे उनके। अब हम बात करते हैं मानव प्रकृति या मानव स्वभाव के बारे में उनकी क्या राय थी। उन्होंने मानव स्वभाव को दो प्रकार से माना। एक उन्होंने कहा कि एक जो मानव प्रकृति है वो कमजोर है और दूसरी शक्तिशाली है। कमजोर वो है जो हमेशा काम वासना मोह लोभ में पड़ी रहती है, जो केवल अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगी रहती है, जो भौतिक जीवन में आनंद लेना चाहती है, वो प्रवृत्ति है मानव की। और इस प्रवृत्ति को पशु की प्रवृत्ति भी सुकरात ने कहा। और दूसरी प्रवृत्ति उन्होंने परहित की मानी कि जो मानव प्रवृत्ति दूसरों के भले के लिए कार्य करे, समाज के भले के लिए कार्य करे और इस प्रकृति संसार में सबके साथ प्रेम, सबके साथ प्रेम और भाईचारे के साथ रहे, हम ये कहेंगे। तो एक ये दूसरी इसको उन्होंने शक्तिशाली माना, शक्तिशाली प्रवृत्ति माना। और उन्होंने एक बात और कही कि इसी शक्तिशाली प्रवृत्ति के द्वारा ही व्यक्ति सत्य और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने सुकरात ने राजनीति के बारे में क्या कहा, लोकतंत्र के बारे में क्या कहा, उन्होंने कानून के बारे में क्या कहा और मानव स्वभाव के बारे में उनकी क्या राय थी, इसका आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।